ए राजू, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ राजेश, तुम कैसे हो? मैं तो प्रभु के अनुग्रह से बहुत ही अच्छा हूँ। तुमको बहुत समय से देखा नहीं था। क्या पिछले हफ्ते नहीं मिले थे क्या हम? ओ सही कहा तुमने। अरे बाप रे, काम की टेंशन में सब कुछ भूल गया मैं। काम का टेंशन नहीं, पढ़ाई का टेंशन बोलो, बहुत परेशान करता है ना? ना 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 ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यीशु पिता हमारे साथ हमेशा रहते हैं। क्या बात है राजेश, तुम एक अच्छे व्यक्ति बन गए हो। हाँ बिल्कुल। कैसे पता है? मैंने एंजल कुटीज की मासिक उपवासी प्रार्थना जो बीकन हॉल में होती है उसमें भाग लिया था और वहाँ पर मैंने बहुत सी चीजें सीखी थी। तुमको नहीं पता है? मैंने सुना तो नहीं है उसके विषय में। अच्छा, मैं तुम्हें अगले महीने लेकर जाऊंगा। वहाँ पर बहुत से बच्चे आते हैं और खास करके पता है वहाँ पर आराधना किस तरह की होती है? कैसी होती है? इस तरह के ड्रम्स भी होते हैं। अरे रे रे, तुम्हें पता है कितना अच्छा संगीत बजाते हैं। तुम क्या कर रहे हो, इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हो? क्या छोटे बच्चे कीबोर्ड बजाते हैं? विश्वास ही नहीं होता, मेरे पापा ने मुझे ये खरीद के दिया है अभी, पर तुम कहते हो कि वो आराधना में अगुवाई कर रहे हैं। अरे राजू विश्वास करो, जब अगले महीने तुम आओगे ना, तुम भी देखकर चकित हो जाने वाले हो। कितनी आश्चर्य की बात है, पर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कौन सी महान चीजें होती हैं? बहुत सारे छोटे बच्चे अपने आप को भूलकर यीशु पिता की आराधना करते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ ऊपर उठा लेते हैं और करीब एक घंटे तक आराधना करते रहते हैं और स्वर्गदूत भी नीचे आ जाते हैं। बहुत ही अद्भुत होता है। धन्यवाद करेंगे अपनी अगली सांस तक उस प्रभु का जो हर कमी से बचाए। धन्यवाद करेंगे अपनी अगली सांस तक उस प्रभु का जो हर कमी से बचाए। धन्यवाद करेंगे अपनी अगली सांस तक उस प्रभु का जो हर कमी से बचाए। धन्यवाद करेंगे अपनी अगली सांस तक उस प्रभु का जो हर कमी से बचाए। आपके अलावा किस पे विश्वास करे, सिर्फ आप पे विश्वास करूंगी मैं। आप मेरी आशा हो, आप ही मेरे एंकर हो, मेरी चट्टान हो, मेरा किला हो। आप मेरी आशा हो, आप ही मेरे एंकर हो, मेरी चट्टान हो, मेरा किला हो। आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे प्रभु हो। आपके अलावा किस पे विश्वास करे, सिर्फ आप पे विश्वास करूंगी मैं। आपके अलावा किस पे विश्वास करे, सिर्फ आप पे विश्वास करूंगी मैं।
आप मेरी आशा हो, आप ही मेरे एंकर हो, मेरी चट्टान हो, मेरा किला हो, आप ही मेरे प्रभु हो। सब साथ में गाओ, आप ही मेरे प्रभु हो, प्रभु के साथ एक हो जाओ, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे प्रभु हो, आप ही मेरे प्रभु हो। कभी न बदलने वाले हो प्रभु यीशुआ, यीशु पिता आप एक बहुत ही अच्छे प्रभु हो। स्तुति आपकी हो, सम्मान आपका हो, सब महिमा और महानता आप ही की हो। स्तुति आपकी हो, सम्मान आपका हो, सब महिमा और महानता आप ही की हो। स्तुति आपकी हो, सम्मान आपका हो, सब महिमा और महानता आप ही की हो। स्तुति आपकी हो, सम्मान आपका हो, सब महिमा और महानता आप ही की हो। स्तुति आपकी हो, सम्मान आपका हो, सब महिमा और महानता आप ही की हो। के व्यूअर्स, आज हम एक और हेलो एंजल प्रोग्राम में मिल रहे हैं। अरे जाके तो कोई है। अरे मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, तुम्हें खोलना नहीं है क्या? एक मिनट। अरे तुम्हारा दोस्त आया है। ओ, आके बैठो। ए, मैं तुम्हारे घर आया हूँ, मुझे पानी तो पिलाओ। अरे यार तुम अपना पानी खुद क्यों नहीं लेकर आए? क्या ज्यादा स्मार्ट ना बने तुम। अरे रुको यार, ए बात तो करो। अरे यार मैं तुम्हारी वजह से हार गया। अरे मैं तुम्हारे घर आया हूँ, तुम्हारा मेहमान हूँ मैं। और तो क्या हुआ? अरे मुझे देखो तो। ऐसा क्या टीम बनाकर हम ये गेम खेले? अरे हमें ये सब गेम नहीं खेलनी चाहिए, मेरी बात मानो। अरे चलो टीम बनाते हैं। तुम्हारी आंखों को नुकसान पहुँचेगा। अभी तो तुम्हें नुकसान पहुँचेगा। अरे तुम्हें फोड़े हो जाएंगे, मेरी बात मान लो भाई। अरे पास्टर आ रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ए कौन है ये? अरे ये पास्टर है। बाद में बात करते हैं। अरे क्या यार ये पास्टर है तो क्या? अरे इनको नमस्ते करो यार तुम। अरे तो बाद में करता हूँ ना। तुम लोग क्या कर रहे हो? आपसे क्या मतलब? अरे हम लोग मैं अपने दोस्त के घर आया था। ऐसा है? अरे ये पास्टर है, इज्जत से बात करो इनसे। इज्जत से बात करो? अरे घुटनों के बल बैठ जाओ क्या?
ठीक है, हम लोग कुछ देर बैठ के बात कर ले। अरे क्या पास्टर, हम लोग मजे से गेम खेल रहे थे, आप आ गए बीच में। अरे अरे उनको ये क्यों बता रहे हो? क्या हम चले? अरे कहाँ जाना है पास्टर? अरे आओ ना, मैं बताता हूँ। पास्टर इज्जत से बात करो ना। पास्टर यहाँ आइए। प्रभु यीशुआ तुमसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशुआ तुमसे प्रेम करते हैं। ये क्या पास्टर? प्रभु यीशुआ तुमसे प्रेम करते हैं। यीशुआ पिता इस दुनिया में तुम जैसे गरीब लोगों के लिए आए थे। तुम्हें पता है यीशुआ पिता का जन्म हुआ था, और वही तुम्हारी गरीबी हटा सकते हैं। कौन से लोग जिनका बचाव नहीं हुआ है आर्मी में भर्ती होकर अपना जीवन दे देते हैं, यीशुआ पिता को स्वीकार करके बच के उनके बच्चे बन जाते जो हम हैं। यदि हम कश्मीर न जा सके युद्ध में भाग लेने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं ना? तो हम जहाँ कहीं भी हो, हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो आप योद्धा नहीं हो। हमारे देश में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, अजन्मे बच्चे हैं, गर्भ के अंदर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हुए बच्चे हैं, कॉलेज में जाते हुए बच्चे हैं, और घर पर हमारे बुजुर्ग भी हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को शैतान अपने साथ नरक ले जाता है, और हमें उनको बचाना है। यीशु पिता इस दिन के लिए धन्यवाद। यीशु पिता, यीशु पिता, हाँ, भारत की सुरक्षा कीजिए। यीशु पिता, यीशु पिता, यीशु पिता, कृपा करके यीशु पिता सब सब बाधाओं को हटा दीजिए। यीशु पिता, हाँ, यीशु पिता, इस देश में धरती पर शांति रहे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक शांति बनी रहे। प्रभु शांति बनी रहे, सब लोग आपका नाम जाने। यीशु पिता प्लीज, यीशु पिता, यीशु पिता सबको आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता कोई भी खत्म नहीं होना, कोई भी खत्म नहीं होना चाहिए। यीशु पिता, यीशु पिता, शैतान किसी को भी नरक में न ले जाए। यीशु पिता, यीशु पिता कोई भी नरक में नहीं 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 जाना चाहिए। नरक में यीशु पिता कोई भी नहीं जाना चाहिए। यीशु पिता सब लोग आपके आपके साथ ही हो। यीशु पिता, यीशु पिता पूरी दुनिया पूरी दुनिया आपके हाथों में। यीशु पिता, हाँ यीशु पिता, सबको बचा लीजिए शैतान से। यीशु पिता बचा लीजिए शैतान से, हमें अपने हाथों में उठा लीजिए। यीशु पिता, यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हो, मैं हर महीने एंजल कुटीज में भाग लेती हूँ। उपवासी प्रार्थना मेरे लिए बहुत उपयोगी है, मुझे बहुत अभिषेक प्राप्त हुआ। आज मैं आपको दो गवाहियों के विषय में बताने वाली हूँ।
रोज जब मैं स्कूल में होती हूँ, क्लास में टीचर जब बोर्ड पे लिखती है, मैं अपने नोटबुक में लिखती हूँ और यीशु पिता मेरे साथ ही रहते हैं। यीशु पिता ने मुझे बहुत सारे दर्शन दिखाए। जब मैं क्लास में लेसन लिखती हूँ, यीशु पिता मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं। मैं अपनी सारी खुशी और सारे दुख यीशु पिता को ही बताती हूँ। वो सुनकर यीशु पिता कहते हैं ठीक है और मुझे अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि मैं स्कूल में यीशु पिता से बात करने के बाद घर पर लौटी थी और जब मैं होमवर्क करने बैठी, मैंने किताब खोली और कहा यीशु पिता अब मैं पढ़ाई करने वाली हूँ यीशु पिता, ऐसा मैंने उनसे कहा और इतना कहकर मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। फिर मुझे कोई बहुत डिस्टर्ब कर रहा था और मैं सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा था और मुझे उसका कारण पता नहीं था और कोई मुझे कह रहा था कि मैं पढ़ाई ना करूं। और तुरंत ही मैंने प्रभु से कहा कि मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है और मुझे पता नहीं है क्या करना है। तो यीशु पिता ने मुझसे कहा यही सही समय है, जाओ और प्रार्थना करो, ऐसा कहा। तुरंत ही मैंने प्रार्थना शुरू कर दी। मैंने इस तरह से कभी अपने जीवन में प्रार्थना नहीं की है। मैं बहुत रोई, मुझे पता नहीं क्यों। उसके बाद यीशु पिता ने मुझे समझाया कि ये शैतान का बंधन है और मुझे उसे बाहर निकलना है। उसके बाद प्रभु ने मुझे अच्छे से प्रार्थना करने के लिए कहा। मैंने मम्मी को तुरंत बताया और मैं प्रार्थना करने बैठ गई। और हाँ, ये मेरी पहली गवाही है। यीशु पिता ने उसके बाद मुझे एक अच्छी चंगाई दी। उसके बाद कुटीज उपवासी प्रार्थना में यीशु पिता ने मुझे बहुत अभिषेक प्रदान किया और उसके साथ प्रभु ने मुझे एक दर्शन भी दिखाया। दर्शन ऐसा था, यीशु पिता मुझे एक चर्च में लेकर गए। वो बहुत ही पवित्र था और महिमा से भरा हुआ था और चर्च के सामने एक फोटो था। वो फोटो यीशु पिता का था। हम उसे पार करके अंदर गए। जब मैंने उसे पार किया, वहाँ उधर चर्च में एक पास्टर थे और वहाँ पर ही सिंहासन पे यीशु पिता बैठे हुए थे और मैं खुशी खुशी आराधना कर रही थी। अचानक से मेरे सामने एक कीबोर्ड आ गया था। मैं वो कीबोर्ड बजा रही थी और मेरे साथ में एक खड़ा माइक था और मैं बहुत ही खुशी खुशी आराधना कर रही थी। और उसके बाद यीशु पिता ने मुझे एक संदेश दिया। मुझे अच्छे से आराधना करनी है, ऐसा कहा उन्होंने। तो मैं अच्छे से आराधना करने लगी और बहुत सारे दूसरे छोटे बच्चे वहां पर आकर बैठ गए। ये मेरी दूसरी गवाही है। प्रभु की स्तुति हो। एंजल कुटीज की सभा में जब मैंने भाग लिया था, आज जब मैं प्रार्थना कर रही थी, और आराधना भी कर रही थी, आंटी ने हमें घुटने टेकने के लिए कहा। सब लोग ताली बजा रहे थे और मैं भी ताली बजा रही थी। मेरा ताली बजाना रुक ही नहीं रहा था और मैं नियंत्रण ही नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने यीशु पिता से कहा कि मैं नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। और यीशु पिता ने मुझसे कहा कि तुम जोर जोर से प्रार्थना करो। तो मैं जब जोर से प्रार्थना कर रही थी, मैंने एक अभिषेक को मेरे ऊपर आते हुए देखा। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं उस बंधन से मुक्त हो गई हूँ। उसके बाद मैं जब प्रार्थना कर रही थी, तब मुझे अपने शरीर पर कुछ चिकना चिकना सा महसूस हुआ। तो फिर मैंने यीशु पिता से पूछा कि यीशु पिता ये चिकना चिकना क्या है मेरे शरीर पर। और फिर यीशु पिता ने कहा कि शैतान ने बहुत सारे बीज डाले मेरे अंदर और उसके कारण से मुझे ये महसूस हो रहा है, चिकना चिकना इस तरह कहा। फिर जब मैंने प्रार्थना करना जारी रखा, मैं बहुत ही फ्री हो गई और मैं अपने हाथों को अच्छे से हिला पा रही थी। मुझे बहुत ही मुक्त महसूस हुआ। उसके बाद जब आंटी ने हमसे कहा कि हम अच्छे से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, ऐसा कहा था, तो मैं जोर से प्रार्थना कर रही थी अन्य भाषाओं में। ये मुझे पता नहीं था। और यीशु पिता उसके बाद मुझे स्वर्गलोक लेकर गए और उसके बाद एक विशेष जगह पर बहुत सारे स्वर्गदूत बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, वहाँ पर उसके बाद मैंने ये देखा कि स्वर्गदूत मुझे मेरे हाथ पकड़कर लेकर गए और मैं भी वहाँ पर गाना गा रही थी उनके साथ। और एक रूम में मैंने बहुत सारे स्वर्गदूतों को देखा गीत गाते हुए और यीशु पिता उन सब के बीच में बैठे हुए थे। और जब मैं वहाँ पर थी, मैं उड़ रही थी और उस समय एक स्वर्गदूत ने मुझे एक बॉटल दी।
वो यीशु पिता के लहू से भरी हुई थी। उस लहू को पीने के बाद मैं बहुत 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 सुंदर तरह से गा रही थी। जब मैं गा रही थी मैंने देखा यीशु पिता मुझे एक 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 ग्लास दे रहे हैं जो तेल से छलक रहा था। उसके बगल में एक एक अंधेरी सी जगह थी और उसके साथ बहुत विचित्र विचित्र पेड़ भी थे वहाँ पर। जब मैंने नीचे देखा तो वो अग्नि से भरा हुआ था और कॉल रहा था, उसमें से बुलबुले निकल रहे थे और बहुत से लोग मदद कीजिए कहकर चिल्ला रहे थे। और मैंने यीशु पिता से पूछा कि ये लोग मदद कीजिए ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं। और उनके शरीर पर बहुत सारे कीड़े और मकोड़े भी थे, बहुत सारे थे। और मैंने उन सब को अग्नि में डूबते हुए देखा। और जब मैं ये दर्शन देख रही थी यीशु पिता ने मुझे एक बहुत ही बड़ी तलवार दी और उस तलवार के ऊपर वॉरियर लिखा हुआ था। और प्रभु ने मुझे जूते भी दिए। और जब प्रभु ने मुझे वो दिया प्रभु ने मुझे एक बड़ा सा जानवर भी दिखाया, बहुत बड़ा था वो। उसके पास सिर्फ एक आंख थी, दो सींग थे और उसके तीन हाथ थे। और जैसे मैंने कहा एक ही आंख थी। और मैं कहना चाहती हूँ कि वो एक बुरे जानवर जैसा दिखता था। और यीशु पिता ने मुझे उसका नाश करने के लिए कहा। जब मैं जा रही थी बहुत सारे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी उनके लिए, वो चिल्लाए जा रहे थे। जब मैं वहाँ गई और मैंने अपनी तलवार आगे की तो वहाँ बहुत ही तेज रोशनी थी और मेरी आंखें मिचला गई, संवेदनशील हो गई। उसके बाद जब मैं तलवार से मार रही थी तो शैतान जल गया, उसे जल गया शैतान, और उसको राख में बदलते देख मुझे बहुत खुशी हुई। आमीन। की स्तुतियों, मेरा नाम विद्यासागर है। एंजल कुटीज में मैं पहली बार भाग ले रहा हूँ। आंटी ने कहा अन्य भाषा में बात करो और मैं बात करने लगा। उस समय मैंने एक तेज प्रकाश देखा, मुझे लगा वो कोई लाइट है और मैंने छोड़ दिया। दूसरी बार भी बहुत ही प्रकाशित था। उस समय तीन स्वर्गदूत आए और वो मुझे लेकर चले गए। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई स्वप्न देख रहा था। फिर मैंने यीशु पिता का मुकुट देखा और उस मुकुट में बहुत सारे मणि भी लगे थे। उनकी पोशाक सफेद रंग की थी और वो सिंहासन पे बैठे हुए थे। और उसके बाद उन्होंने जीवन की पुस्तक निकाली और उसमें बहुत सारे लोग थे और लोगों के नाम पुकारे जा रहे थे। जिनका नाम उसमें नहीं था वो गिर गए। और मैंने यीशु पिता से पूछा कि यीशु पिता ये क्यों गिर रहे हैं। जब मैंने पूछा यीशु पिता मुझे अपने साथ नरक में लेके गए। वहाँ लोग चीख रहे थे और वहाँ पर जो बुरे लोग थे वो सिल्वर घर में थे और वो जो अच्छे लोग थे वो गोल्डन घर में रहते थे, गोल्डन घर में थे वो। और जब लोगों को नरक में ले जाया जा रहा था वो सब चीख रहे थे। और फिर शैतान राजा वहाँ पर बैठा हुआ था और सब लोग वहाँ मदद कीजिए ऐसा चिल्ला रहे थे। फिर मैंने यीशु पिता से पूछा कि ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने पाप किए हैं। मैंने पूछा क्या मैंने भी किया है। प्रभु ने कहा नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे एक तलवार दी और वहाँ पे राजा था और वहाँ पे अग्नि का झील था। सब पर अग्नि उंडेल रहे थे, सबके हाथ काट रहे थे, तो मैं डर गया था। यीशु पिता इनके हाथ क्यों काटे जा रहे। जो लोग पाप करते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है, प्रभु ने कहा। उसके बाद प्रभु मुझे अपने साथ लेकर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे जूते दिए और वहाँ पर एक पांच आंखों वाला विशाल सा आदमी था। क्योंकि वो इतना बड़ा था मैं बहुत डर गया। तो मैंने सोचा यीशु पिता मैं किस तरह से लड़ूंगा इसके साथ, बताइए यीशु पिता। तो उन्होंने कहा कि डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह से उन्होंने मुझे वादा किया और मैं साहसी होकर गया। वहाँ बहुत से लोग चिल्ला रहे थे और उनके राजा ने कहा इसको जाकर खत्म कर दो, ये करना बहुत ही आसान होगा क्योंकि ये मनुष्य है ना और हम तो शैतान है, इस तरह से राजा बोला। उसके बाद में लड़ने वाला था, दो बार उसने मुझे मारा और मैंने भी दो बार मारने की कोशिश की और आखिर में वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आया मुझे मारने के लिए और मैंने उसे मार डाला। और उसके बाद पता एक आग ने
एक आग ने उसे पूरी तरह जला दिया और एक काली आत्मा जाते हुए दिखाई दी। यही दर्शन मैंने देखा, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम प्रिंसी है, मैं अरकड कुप्पम से हूँ। यीशु पिता मुझे स्वर्ग लेके गए और वहाँ पर बहुत सारे फूल थे और वहाँ पर एक सिंहासन भी था और यीशु पिता सिंहासन पे बैठे हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे यीशु पिता। और फिर ऐसा लग रहा था कि मैं यीशु पिता हम सब एक बड़े चर्च में थे। आमीन। मेरा नाम है माइकल एंसी। यीशु पिता मुझे स्वर्गलोक में लेकर गए थे और उसके बाद मैंने स्वर्गलोक देखा, वहाँ पे बहुत से फूल थे और उसके बाद मुझे नरक में लेकर जाया गया और मुझे एक तलवार दी यीशु पिता ने और जब शैतान आया मैंने उसे उस तलवार से मार डाला। राजू, अब तो मेरी बातों पे विश्वास होगा ना? विश्वास तो करना पड़ेगा ना। पता है मेरे पापा कहते हैं कि शहर के बच्चे झूठ बोल सकते हैं लेकिन गांव के बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसे मेरे पापा हमेशा कहते हैं। और जितने भी बच्चे तुमने मुझे दिखाए हैं उसमें बहुत से बच्चे गांव से हैं ना, तो वो किस तरह से झूठ बोलेंगे? मुझे ये सब बातें नहीं पता, पर यीशु पिता बहुत सारी महान चीजें कर रहे हैं और फिर दर्शनों के विषय में कोई भी झूठ नहीं बोल सकता है क्योंकि स्वर्गलोक कहता है कि छोटे बच्चे वही कहते हैं जो प्रभु का शब्द होता है। ए राजेश, आज के बाद तुम जब भी वहाँ जाओगे मुझे भी साथ लेके जाना और ये ड्रम्स भी लेके जाएंगे ताकि हम आराधना में धमाल कर दें। अरे रे रे, तुम धमाल मचाओगे, शरद तुम्हारे सामने कोई भी नहीं है, हम अगले महीने जरूर जाएंगे। हाँ राजेश, अगले महीने जाके हम धमाल मचाएंगे। ये बढ़िया, मेरा दोस्त राजू, मैं आज बहुत खुश हूँ दोस्त। और मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो चलो चलो, मम्मी ने नाश्ता बनाया, चलो चलो जाके खाते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो चलो चलो। बच्चों को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, बिल्ली बक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।